आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं निर्मला अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल निर्मला अग्रवाल पहाड़ी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 6:30 बजे से, और मैं जा रही हूँ अभी माही को पहुँचाने जा रही हूँ रोड पे, क्योंकि आज नीचे वाली रोड है बंद, बीच में डामरीकरण का काम चल रहा है, तो सन्न के रास्ते से घूम के जाएगी, तो ऊपर रोड तक जा रही हूँ मैं माई को बताने। और दोस्तों, बारिश की बूंदाबूंदी होने लग गई है अभी, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, तो उस वजह से चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखा है। तो एक बार मौसम के हाल समाचार देख लीजिए दोस्तों। यही माही ने ओढ़ किया छाता, क्योंकि हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। और ये देखिए दोस्तों, मौसम चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिखा है, कुछ नहीं दिख रहा है। माही पहुंच गई है ऊपर, तो दोस्तों हम दोनों माँ बेटियां पहुंच चुके हैं रोड पे, गाड़ी भी बस आने वाली है। माही को हौले को देख के डर लग रहा था, तो मैं आ गई हूँ माही को छोड़ने के लिए रोड पे। देखिए, मकान भी नहीं दिख रहे, थोड़े थोड़े धुंधले धुंधले दिख रहे हैं, और कोहरा ही कोहरा दिख रहा है, बस गाड़ी पहुँचने ही वाली है। आ गई है माही की वैन तो दोस्तों चली गई है माही की गाड़ी, तो मैं अभी चलती हूँ अब घर के लिए, घर का काम करके फिर जाना है खेत में। बज गया है दोस्तों और मैं आ गई हूँ खेत के लिए। तो आज अभी बताया था मैंने कि बारिश लग रही है करके, थोड़ी रिमझिम बारिश हो रही है, और अभी हौला तो हट गया है थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत दूर दूर का बाकी है। ये देखिए, बाकी चारों तरफ दोस्तों हरियाली हरियाली दिख रही है अब, क्योंकि चौमास का टाइम है, इस टाइम पे चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखती है। और ये हरियाली वाला व्यू तो बहुत ही सुंदर लगता है, जो कि देख ही रहे हैं आप, जो कि देख सकते हैं दोस्तों आप, ये देखिए। और हमारे यहाँ खेतों में तो ज़्यादातर मक्के ही बोए जाते हैं, क्योंकि घास की कमी है, घास बहुत घास हो जाता है, इससे घास की पूरी पूर्ति हो जाती है। तो दोस्तों अभी चलती हूँ मैं खेत के लिए, और अभी आने वाली है प्रियंका, तो प्रियंका से मिलाऊंगी आपको। तो दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं खेत में, और यहां पे दीपादी ललित दी लोग पहले पहुंच चुके हैं, तो मैं ये मक्के तोड़ लेती हूं पहले। ये देखिए, ये और धान देखिए, कुछ नहीं है ऐसे, ये देखिए। शाम के बज चुके हैं दोस्तों 4, और मैं जा रही हूँ खेत को, और दीपू बोल रहा है मेरे से कि मेरे को भी जाना है, मम्मी मेरे को भी जाना है खेत में। जा रहे थे खेत में, और चाचा जी यहाँ पे मिल चुके हैं। प्रणाम। ये देखिए, तिमला तोड़ के लाए हैं बोल रहे हैं, ये देखिए। ओ पाकरी सर, तिमली को पात, तिमली को पात, कब होली भेट, कब मिलूंगा हाथ मिला दे हाथ बुबू दगाड़ा हाथ मिला दिया है दीपू ने बुबू के साथ खा खा ला, मैं बताती हूँ कैसे खाते है करके, ला बढ़िया बीठा होगा। ये देखिए, तिमला मिल चुका है दीपू को यहाँ पे, अब खाएगा। ये बुबू को देखिए, कंधे में रख के ले जा रहे हैं, बुजुर्ग देखो 30 किलो का भार लेके जा रहे हैं कंधे में टनाटन। खुल गई रोड, ऐसा है ना, फायदा और नुकसान नुकसान हो सुना, बुबू खुद बेचते हैं और खुद बता रहे हैं उसका फायदा और नुकसान। घरेलू फल है ये, घरेलू फल है, इससे बुखार नहीं आएगा, सर्दी जुकाम नहीं लगेगी, और ताकत आएगी, ताकत आएगी। कुरकुरिया से बुखार भी आएगा, सर्दी जुकाम भी लगेगी, और हो जाएगा आदमी, पेट भी सूख जाता है सुना। तीन तीन दिन तक बच्चे होते नहीं है,
हाँ फिर राम राम कर दे बुबू बाय कर दे बाय बाय बाय। तो दोस्तों हम जा रहे थे खेत को, तो चाचा जी मिल गए यहाँ पे और चाचा जी ने हमको तिमला खिलाया, तो बहुत ही अच्छा मतलब स्वादिष्ट फल है ये और पक के तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और पका था ये तो बहुत स्वादिष्ट हुआ था। और चाचा जी ने ये खुद की दुकान हो के भी कुरकुरे के नुकसान कितने बता दिए दीपू को और चले गए हैं चाचा जी। तो हम भी जाते हैं अभी खेत के लिए। तो दोस्तों हमने करनी है अभी यहाँ पे मीटिंग भी करनी है समूह वालों की और उसकी फ़ोटो खींच के फ़ोटो भेजनी है अपने ग्रुप में। तो देखते हैं इकट्ठा हो गए हैं नहीं हो गए हैं करके सभी लोग और हम भी चलते हैं। तो दोस्तों देखिए मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे, यहाँ पे है हमारी मीटिंग आज। ये देखिए बैठ गए हैं सभी लोग। तो दोस्तों यहाँ पे चल रही है हमारी समूह की मीटिंग। ये देखिए सभी महिलाएं पहुंच चुकी हैं यहाँ पे और आज मीटिंग है जानकी जी के घर घर पे। और आमा है यहाँ पे जानकी दी के, उसमें लिखना जानकी दी के घर पे मीटिंग थी करके। और गीतू दी भी पहुंच चुकी है। तुम लोगों की हो गई है मीटिंग न्यू ईयर, कब करते हो फिर? चलो ठीक है। तो देख दोस्तों देखिए हो ये जाने लग गए हैं अब सभी खेतों के लिए। तो दोस्तों देखो मैं पहुंच चुकी हूँ खेत में और यहाँ सभी महिलाएं पहुंच चुकी हैं खेत में धान गोड़ने के लिए। ये देखिए इस खेत में तो धान है मेरे और वहाँ वाले खेत में वो देखिए लाल लाल दिख रहे हैं ये वाले खेत हमारे। तो बारिश होगी करके मैंने धान के पौधे इधर उधर फेंक दिए थे और बारिश हुई नहीं, सूख के बिल्कुल पराल हो गया है। और तो दीदी की थी आज एनिवर्सरी, एनिवर्सरी के दिन शॉपिंग करने जल्दी जल्दी जाऊंगी करके अपना खेत भूल के दूसरे खेत में चली गई। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अपना खेत भूल के दीदी ने दूसरे का खेत गोड़ दिया है। तो ये है दीदी जो अपना खेत भूल के दूसरे का खेत गोड़ दिया है इनने। एक बार भूल के मेरे खेत में भी आ जाते तो अच्छा होता रे। तो बेटा बोल हमार गाड़ा भूल दिया। शिव शिव एक गोड़ पूरा गोड़ सा गया छे। शिव एक तो इतनी धूप लग रही है और धूप में दीदी आई थी घर से जल्दी जल्दी बाजी में, तो अपना खेत छोड़ के ऊपर वाले खेत में गोड़ने लगी थी। तो अब बोल रही थी कि अब होता है ख़त्म, तो ख़त्म होते उन्हें टाइम पे पता चला कि ये खेत मेरा नहीं है करके। ये देखिए शाम का टाइम हो चुका है, 6:30 हो गया है। मौसम देखिए बारिश आते आते पता नहीं कहाँ रह गई। और मक्के देखिए इतने बड़े हुए हैं हमारे खेतों में। ये देखिए